वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अठे पैर तैल सेवा लहर वालों वख-वख पिंडां ते शहरां दे विच जो समागम किए जा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी दीयां बेदमियां बारे विचारां कीतियां जा रही हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सेवा वास्ते गुरु घर नूं कदे भी सुनिया ना छड्डिया जावे। हुण एक गुरां दी जागो जो साढ़े पंजाब दे विच नशियां दा जिहड़ा छेवां दरिया बह रहा है, उन्हां नूं रोकण वास्ते ये समागम जिहड़ा 1 सितंबर श्री आनंदपुर साहिब तो आरंभ होना है, भोरा साहिब जिथे कदे कश्मीरी पंडित आके गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे चरणां दे विच अरदास कीती सी कि साडा धर्म खतरे दे विच है, साडे धर्म नूं खत्म किया जा रहा है, तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने उन्हां कश्मीरी पंडितां दी बाह फड़ी सी। अज साढ़े भी पंजाबियों के उत्ते, पंजाब के उत्ते जिहड़ा ये नशियां दा मारू वार किया जा रहा है, इन्हां नूं रोकण वास्ते भी अठे पैर तैल सेवा दे सारे मैंबर साहिबान और समूह संगतां मिलके गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे चरणां च भोरा साहिब विखे अरदास करनी है कि दाता जी कृपा करो, जिदा वो कश्मीरी जिहड़े पंडित आए सन उन्हां दी बाह फड़ी सी, कृपा करो साडी भी बाह फड़ो कि तां कि आपां पंजाब दे विचों ये जो नशियां दा सेवां दरिया वह रहा है इहनूं ठल पाउण वास्ते, इहनूं रोकण वास्ते जिहड़े साडे कीते हुए उपराले ने वो सफल होण। ये सारियां विचारां करन वास्ते आप जी दे नगर विच साढ़े बहुत सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी जिहड़े बड़ी बंदगी वाले ने, जिन्हां दे मन दे विच एक चोट वजी सी कि इन्नियां बेदबियां इन्ना नशा जिहड़ा साढ़े पंजाब दे विच जिहदा वहण वह रहा है, इहदे विचों आपां नौजवानां नूं किवें बचाउणा है, इन्हां बेदबियां नूं आपां किवें रोकणा है, ये आप जी दे नाल खुल के विचारां करनगे जी भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी। धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, उन्होंने पावन गोद में सज बैठे गुरु प्यारी सात संगत जी, आओ फतेह सांझी करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज जो असी कर रहे हैं कोई विशेष समागम तो नहीं, एक आप जी के नगर में जानकारी देने दे वास्ते असी पहुंचे हाँ। बाबा प्रेम सिंह जी बंदलैड़ी, भाई जतेंद्र सिंह जी बंदलैड़ी, उन्होंने सहयोग के नाल आप जी के नगर पहुंचे हाँ। एक बहुत ही जरूरी सुनेहा जां इवें कह लईए एक सद्दा, अज असीं आप जी के नगर सद्दा देण आए हाँ, तो इस आप जी के नगर में जिहड़ा यह सद्दा दिता जा रहा है ये देश दुनिया तक भी पहुँचेगा। सद्दा की है संगत जी, अज सानू ना जिंदगी ते मौत दे विचों एक नूं चुनना पैना है। सद्दा यह है कि आओ पंजाबी जिंदगी ते मौत दे विचों एक नूं चुन लईए। तुसीं हैरान होवोगे भी ये किदां दी गल है, पर यह हकीकत बन गई है। एक अज एक हकीकत है, क्योंकि जदों किसी का जवान पुत मरदा है ना टीका ला के, उदों असीं सोचदे साडा कड़ा मरिया है तां उहदा मर गया, इदा ही है ना। कभी सानू वो पीड़ नहीं हुई कि हाए ये पंजाब का पुत मर गया, ये पंजाब नूं सिंजिया सतगुरां ने अपने लालां दी वो रत पा के इस पंजाब नूं सिंजिया। आपां जो कुछ भी हाँ गुरु कलगीधर पातशाह ते उन्हां दी रहमतां दा सदका हाँ, श्री आनंदपुर साहिब जी का कर्ज जिहड़ा है वह कोई भी नहीं उतार सकता, पर अज एक समा आ गया सानू स्वै पड़चोल करन दा, भाई कित्थे खड़े हाँ,
कि इदा ही एक एक दो दो करके चार चार करके रोज दो दो चार चार पांच पांच साढ़े जवान जेड़े पुत ने पाले हुए मावां दे भैणां दे वीरे वो टीका लाउंदे आ ते टीके की सूई भी विचे रह जाती है। टीके की सूई कढ़न जोगे नहीं रह जाते, वह सूई भी विचे रह जाती है ते पता नहीं लगता किहड़े वेले मरिया। जदों उहदे लागे जाके कोई वेंदा टोंदा है ते कहिंदे इहनूं तां लगदा है ते ठंडा पै गया, पता नहीं दो घंटे हो गए कि चार घंटे हो गया। इन्हां हालातां दे विच गल करन दे वास्ते तो वह साढ़े पंजाब दे ही पुत धीआं वा। जब मैं धीआं की गल करदा तो बड़ा मन में दुख हुंदा। आ पिछे तुसीं एक पोस्टर वेख रहे हो, पहला मैं उहदी गल कर देवां तो फिर आपां अगली गल तुहाडे नाल सांझी करांगे। पिछे तुसीं देखदे पए हो गुरां दी जागो, सतगुरु सदा सानू जगाउंदे आए ने, पर अज का समा इदा आ गया कि हुण असीं बेनती करके सतगुरां नूं बेनती करके कि महाराज आओ हुण असीं तां इन्ने वेसले हो गए कि असीं तेरे दर ते आके सिखना भी नहीं चाहते, तुसीं आओ सानू घरों घर ही आके जगा दिओ। 1 सितंबर 2023 नूं एक अरदास होनी है संगत जी, एक बड़ी विलखण अरदास, इतिहास दे विच पहला भी एक अरदास होई सी जिहड़ा बड़ा वड्डा इतिहास, जदों कश्मीरी पंडित आए सी गुरु तेग बहादुर साहब जी की शरण दे विच। ते अज असीं सारी मनुखता नूं ही बेनती करदे हां, पंजाब नूं प्यार करन वाले हर रूह नूं असीं सद्दा दिंदे हां कि आओ इस पंजाब नूं मरदे हुए पंजाब नूं बचा लईए। जे इहनूं समझिया ना जिहदी गंभीरता, जे इहदा दर्द, जे इहदी वो मरदे हुए दियां सिसकियां, इस सिर जिदा सह चढ़िया होंदा ना, पता नहीं अगला सह आना कि नहीं आना, साडा वो हाल हो चुका है। ठीक है जो सारियां नूं नहीं दिखता, पर जिन्हां नूं दिखता वो तो करलाउंदे पए ने, जिन्हां दे नाल वापर गई तो असीं चाहुंदे हां कि होरां दे नाल ना वापरे। आ एक फिल्म जिहड़ी आई है साडे इतिहास नूं दर्शाउंदी हुई, मस्ताने फिल्म, हर पासे उहदे चर्चे ने, लहीरा कत कत के लोग जाके सिनेमिया च देखते पए ने। बड़ा गौरवमयी इतिहास है साडा। इतिहास में जो संखेप दे विच उत्थे देखिए ना कि कहानी की है, कहानी उन्हां योध्यां दी है कि एक पासे नादर शाह आ जिहड़ा मौत वंडदा पिया, नादर शाह मौत वंडदा पिया, तो दूजे पासे कौन ने, सिंह ने, वह जिंदगी दे राखे ने, वह बाबे के, एक बाबर के सी, एक बाबे के इन्हां दा शुरू तो चलदा आया। बाबर कहिंदा मैं मारना, बाबे के कहिंदे असीं मार नहीं देना, ते इत्थे नादर नादर सामने आ जांदा है। एक पासे नादर है ते एक पासे बाबे के है, ते इत्थे आ तुसीं हुण एक झात मार लिओ पिछे। उदन नादर मौत वंडदा सी, मौत अज भी उही वंडदा पिया वा, नादर के अज चिट्टा वेचण, यह हकीकत है। हमने भाई साहब ने अनाउंसमेंट की थी, एक घर घर यह अग वाली गल बन चुकी है संगत जी, हमने उन्होंने भाई साहब ने जी अनाउंसमेंट की है कि आओ आप सिर जोड़ लीए, तो उस चीज़ को लैके नादर के अज चिट्टा वेचण, बाबा नानक देवे जिंदगी, जिंदगी देता ना बाबा नानक, सूके हरे की खिल माहे सतगुर मेरा मार जीवल है। तो हुण अगली गल आ जाती है कि हुण एक पासे मौत है, एक पासे की है, बोल दो प्यारियो, एक पासे मौत है, एक पासे जिंदगी, एक पासे जिंदगी है, तो हुण जिंदगी ते मौत दे विचों किन्नू चुनना, जे लकीर खिचनी पैनी है, एक लकीर खिचनी पैनी है, जां इधर है जां ए टीम जां बी टीम सी नहीं बदलनी। यह सारा दुखां भी इसे गल का कि ज़्यादातर लोग जिहड़े ने ना वह सी टीम च खलोते, ना इधर दे ना उधर दे, वह सोचते हैं किहड़ा मेरा मर गया, किहड़ी मेरी धी नशा करती है, एक दूजे नूं सोच टिचरां करदे, फलाने का लग गया, फलाने का लग गया। गल यह है वह साडा ही लगा है, वह साडी ही लगी है, वह दुनिया दीआं इज्जतां बचाउण वाले वो पंजाब दे जिहड़े इत्थों दे बछिंदे सी जिन्हां दा इतिहास अज जागर हो रहा है, अज साडियां धीआं नूं पिंजरियां च पाउणा पै रहा है।
पिंजरे च पई हुई एक जवान धी जी कहती मैनू चिट्टा दे दो मैनू चिट्टा दे दो एदो वड्डी दुश्वारी साडे लई की हो सकती संगत जी। इस हालत असीं पहुंच गए कि साडियां धीआं चिट्टा मंगदियां ने वो धीआं जिहड़ियां कितें घर दे विच वी कोई उपरा बंदा आ जाए उहदे सामने नहीं आउंदियां ते आपां वेखदे आम वीडियो हुंदियां ने सड़कां दे उत्ते पता नहीं किद्दां दा नशा कीता ते ऐ बाहां जिहां थल्ले नूं लमका के ते उत्थे डेढ़ डेढ़ घंटा झूटे जे लई जांदियां ने। इह साडी इज्जत कित्थे जा रही है, यह कौन खो रहा साडे तों। सो यह सानू अज इक फैसला करना पैणा है। फैसला की करना, लकीर खिंचनी पैनी है। लकीर की खिंचनी है, बाबे के जां नादर के, जां बाबे की टीम च आ जाओ ते जां फिर नादर की टीम च आ जाओ। जां तां तुसीं चंगे हो ते जां तुसीं बुरे हो, अध विचाले वाला सौदा जिहड़ा ये हुण खत्म करना पैना है। ते एक यही सवाल संगत जी मैं आप संगतां नूं अज पुछना चाहुंदा कि बाबे के जां नादर के ते की संगत का जवाब है। वाहेगुरु असी बाबे के, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। बाबे के होण दे विच फखर है, इज्जत है, माण है। वो बाबा केड़ा है जिहड़ा नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला करन वाला मनाउण वाला सिखाउण वाला बाबा। ते आओ उहदी शरण दे विच आ जाइए उस गुरु बाबे दे जिहड़ा सब दा सांझा है, सब दा सांझा है साडा बाबा। ते असीं किन्नू चुणदे हां, किन्नू चुणे हां असीं बाबे के, बाबे के जां नादर के। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ये जड़ा सुनेहा जड़ा इस गुरु घर दे विचों इस नगर तो चलना शुरू होया, ये हर पिंड दे विच जाना है। ये सानू हुण बाबे दा पल्ला फड़ना पैना है, दर्शाउणा पैना बाबा असीं तेरे हाँ। ते फिर की हुंदा तेरियां दी तैनू लाज, जिहदा पल्ला फड़िया होए फिर उहनू अपनी लाज है ना। महाराज लाज पगाउंदा आया, पगाई है ना, किड्डी वड्डी लाज पगाई। पहले जामे दे विच जंजू कहिंदे नहीं असीं नहीं धारण करना, ते नवें जामे दे विच जंजू वाले कहिंदे वी साडे जंजू नूं खतरा हो गया बाबा। ते फिर की खेड वरती आपां सारे जाणदे हां, तिलक जन्नू राखा प्रभ ताका कीनो बड्डो कलू मैं साका, ठीकर फोर दलेसर प्रापुर किया प्यान। ते की बचन कीता, बाहें जना दी पकड़ी है सुर दी जय, बाहें ना छोड़ी है। आओ फिर उस बाबे नूं बाह फड़ा लईए। सो ए साडा उपराला है, इहनूं होर आपां अगे लैके जाणा, पिंडो पिंडी लैके जाणा। होर विस्तार जिहड़ा मैं बाद च सांझा करांगा। मैं बेनती करदा भाई जतेंद्र सिंह बंदलाड़ी होरां नूं, वह आके थोड़े जिहे विचार आप संगतां नाल सांझे करनगे। ये जिहड़े सारे विचार आपां इस वेले सांझे करदे पए हां, देश विदेश इंग्लैंड दे विच संगत टीवी दे जरिए संगतां जिहड़ियां इहनूं देख रहियां ने। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन चरणा कमलां दा आनंद माणदी होई साध संगत जी गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़े भागा वाले हो, अज जो पिंड गंभीरपुर दे विच यह लहर दी जिहड़ी लहर गुरां दी जागो है उहदी अज शुरुआत हुई है। गुरु प्यारी साध संगत जी इस लहर दे विच इस जागो दे विच असी यह नहीं कहना भी कोई मोंडा है, कोई होर धर्म का है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, क्योंकि असी सारिआं नूं प्रेरित करना है। जो कोई साडा आंढी गुआंढी भी इस नशे का आदि हो चुकिया है उन्हूं असी प्यार नाल प्रेर के कहना भाई चल एक बारी तू
ਵਿਸੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਜਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਦਰ ਕੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਣੀਏ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਬੱਚਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਏ, ਚਿੱਟਾ ਬਾਣਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਜ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਦਰ ਦੇ ਅੱਜ ਮੌਤ ਵੰਡਦੇ ਪਏ, ਨਾਦਰ ਕੇ ਅੱਜ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਸ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਦਰ ਕੇ ਅੱਜ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ, ਆਪਣਾ ਚਿੱਤਰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 10,000 ਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਦਰ ਕੇ ਅੱਜ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ? ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 120 ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ
एक स्लोगन साडा यह सारे जिन्ना भी ये उपराला होगा जो तो शुरुआत है मैं कह सकता कि 15 दिन की तक मैं लगता शुरुआत है जो तुर पी लहीर असी बाबे के वाहेगुरु असी बाबे के वाहेगुरु 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 पहलो हाथ करे वाहेगुरु असी वाहेगुरु वाहेगुरु असी वाहेगुरु असी असी बाबे के असी बाबे के हाँ सानू मान है अपने बाबे ते असी उस बाबे दे हाँ असी उस बाबे दे जरा कुल लकाई नू अज रिजक दे रहा है दुनिया च कितें आफत आ जाए साडे बाबा उत्थे लंगर ला दिंदा दुनिया कई कई गुणा रेट वधा दिंदी है ते साडा बाबा कहिंदा चलो ए अपने पिंडों भलो ट्रालियां देखिया सारी दुनिया ने देखिया सारे पंजाब की मिट्टी उत्थे जाके धक्का बस्ती दोहियां खास दे लागे जाके सारे पंजाब की मिट्टी पई है किसी ने मुल वेच ही है क्यों क्योंकि बाबा नानक कहिंदा वंड के छको आफत एक ते आई है चलो भज लो अपने पिंडों ट्रालियां भरिया तेल अपना ट्राली अपनी मिट्टी अपनी 100-100 किलोमीटर पर जाके सुटी है क्यों असी बाबे के हाँ सानू माण है अपने बाबे ते आपां एक लकीर ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਏ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਚਰਾ ਉਹ ਕਚਰਾ ਆ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣੋ ਛੱਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਛੱਜ ਛੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਤੇ ਛੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਜ ਉਹ ਸੋਨਾ ਉਹ ਰਿਜਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਓ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਲਾਡਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟੀਏ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਣੀ ਏ ਨਾਦਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ बस ये सुनेहा सारे संसार तक पहुँच जाना है थोड़े दिनों के लिए ही तो जिथे जिथे तक भी साड़ी आवाज पहुँचती है ये समझ लियो क्योंकि तुहाडे दर ते आके ही आवाजा समझ लियो कि तुहानूं आवाज ये मीडिया के राही जिदा भी है तो जिथे जिथे भी इदा के प्यार वाले बैठे इन्हां नूं घंटा पहला बेनती की सी नगर वालियां नूं ते सारे भैन भरा कट्ठे हो गए ने अपने अपने गुरु घर च कट्ठे हो जाओ रूट मैप बहुत जल्दी तुहानूं दे दिता जाएगा मोटे तौर पर एक गल कह दईए 1 सितंबर नूं उस अस्थान ते अरदास होनी संगत जी जिथे उन्हें कश्मीर भोरा साहिब गुरु के महल भोरा साहिब तो वो बिल्कुल नाल लगता वो अस्थान थड़ा साहिब श्री आनंदपुर साहब विखे भोरा साहिब गुरु का महल गुरु तेग बहादुर साहब जी तो उन्होंने परिवार का वह निवास स्थान जाए कह ली अपने बापू के घर तो उत्थे उस थड़ा साहब के अगे अरदास करनी है कि महाराज तुसी कश्मीरी पंडितों का धर्म बचा लिया से तिलक तो जंजू बचा लिया से अज तो पंजाब ही मर चलिया रोज दी रोज रोज दी रोज जवानी मरती पई है असी कुछ कर नहीं पा रहे तुसी साडी अगवाई करो तुसी साडे सिर ते हाथ रखो तुसी मेहर करोगे तो साडे मोइयां रूहां दे विच जिंदगी पैदा हो जाएगी तुसी जिंदगी देने वाले हो सानू जिंदगी दे दिओ यह चीज़ लैके संगत जी एक गल मैं होर कह देवां बाबा प्रेम सिंह जी बंदलैड़ी वाले बाबा जी नशे दे नाल की हुंदा है क्योंकि असं काफ़ी खोज करते रहे पिछले 6 महीनों तो लगे भी जोड़ा मसला जो तो कोई हल करना जो कुछ करना वह सोचना भी पैदा ये साढ़े दिमाग कोई इदा के हारमोन पैदा हो जाते जिदा बड़ा लगता कि हाँ बड़ा सुकून चैन आ गया पर जोड़े माहर डॉक्टर ने ना जोड़े गुरसिख डॉक्टर ने जोड़े गुरसिख साइंटिस्ट ने उन्होंने एक गल खोज के बहर की है कि जदों रब के रंग में रूह होंगी है ना ते ओ जिहड़ा हारमोन है वह नशे नालों कई गुणा वध पैदा हो जाता है असी उस खुमारी का एक सवाद विखाना चाहते हैं असी उस खुमारी का अपने उन्हां बच्चों सवाद दिखाना चाहते एक साडा दुखांत असी अजे तक उन्होंने नहीं सांभ पाए है साढ़े ही पर शिकार हो गए ने नशे के व्यापारियों के उस शिकंजे के फस गए ने उन्होंने बड़े ढंग के नाल उन्होंने
काबू किया, पहला फ्री दे के फिर वो एडिक्शन लग गई, फिर उन्होंने जो कुछ किया साढ़े सारे दे सामने है, पर असी उन्होंने बचा कि बचा सकते हैं कि साढ़े गुआढ़ी लगता है भैनो कोई गुआढ़ी बीमार पाया हो पता लैन जाने कि नहीं जाते जाने ना बाबा जी क्यों भैन जाते हैं किसी गुआढ़ी जो बीमार पाया तो जोड़े नशे के आदि वह भी बेचारा बीमार ने उन्होंने यह नहीं कोई सिलैक्शन की है कि असी मरना है कि जी करता मरण पर उन्होंने मौत के मूँह के सुट दिता गया उन्होंने आप इदा ही करना है कि फड़ लो बह उन्होंने कि फड़नी है उन्होंने शक्ति दोइए जो जिदा भी दे सकते खास तौर पर असी जी इस गुरु की जागो दे जी शक्ति बंधनी है वह शक्ति गुरु के नाम की होनी है नानक के कर केवल नाम असी जानते हैं कि जिन्हों एक बारी नाम की वो खुमारी जिन्हें वो रस चख लिया ना वो दुनिया का सब कुछ अगे पिया हो जिदा बाबा फरीद साहब नहीं कहते फरीदा शक्कर खंड मेवात गुड़ माख्यो माझा दुध और सबे वस्तु मिठिया और रब ना पुजन तुद और रब दे नाम का नजारा असी उन्होंने दसना दबाना है तो मैं बेनती करदा जिहड़ियां भी रूहां ने रब दे रंग विच रतियां जरूर आयो अज वेला है मंडन का अज वेला है मंडन का जिहड़े पहाड़ों के विच बैठे सी उन्होंने गुरु नानक साहब ने की कहा सी उह सिद्ध छुप बैठे परबती कौन जगत को पार उतारा आपां उन्हां सिद्धां वर्गे ना बन जाइए कि आप कमाई कर ली तो हुण कमरे च लुक जाइए आओ अपने इन्हां पुत्तां धीआं नूं बचा लईए बंदगी वाले हो तुसीं ही आओ ते जिन्हां ने अजे भांडे खाली है तुसीं भांडे खाली लैके आओ जे तुहानूं अजे नहीं इधर दा नज़ारा मिलिया जे असीं तुसीं नहीं अजे गुरु का नाम चखिया तो आओ चखो 15 दिन तुहानूं दित्ते तो वेख्यो 15 दिन के बाद की कुछ बदलता है कि ना बदलना है वह मेरे शहनशाह पिता ने बदलना है सतगुर मेरा मार्ज वाले याद रखो 1 सितंबर फ्राइडे का दिन है शुक्रवार का दिन है तो 9 बजे श्री आनंदपुर साहब तो जो दूर होने रात को आ जाए उतो सारे इंतजाम किए जाएंगे तो महाराज के चरणों के अरदासा करनिया ने खुशहाली मंगनी है चढ़ती कला मंगनी है तो हम मैं बेनती करदा बाबा प्रेम सिंह जी बंदलैड़ी वो आके आप जी के नाल कुछ विचार की सांझ करनगे सो फिर एक बारी गज के आखो वाहेगुरु असी बाबे के वाहेगुरु 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 असी बाबे के वाहेगुरु 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 इहनू इन्ना क पक्या कर लेना कि जिदा वह छिक मारिया मूँह चो वाहेगुरु निकलता ना तो हुण जो वाहेगुरु मूँह चो निकले नाल इह भी निकल जाए वाहेगुरु असी बाबे के सो बेनती कर दा बाबा प्रेम सिंह जी बंगलैड़ी वालों गुरु प्यारी साह संगत जी अज किड्या भगी बड़ा भागा लिया जो गुरु चरणों के बैठ के आप नशा ठल पाने वास्ते भाई गुरप्रीत सिंह जोकी वाले जिन्हों ने कई दिनों तो गुरु पातशाह का वोट आसरा ला के इन्हों नशे में ठल पाने वास्ते घर घर के गली गली के पिंड पिंड सदा दे रहे हैं गुरमुखो अपने आप को बचा लो गुरमुखो अपने आप को बचा लो जो अं बचांगे ना तो ताही हरि सिंह के मलबे वांगू मरेंगे जे अं अपने आप को बचावांगे ना तो फिर आप पुरानी जी साडे लोकां बजुर्गों की रस्म है खत्म हो रही है आप नशा त्याग के तो हरि सिंह नलिया वर्गे बंदे बहादुर वर्गे ऐसे सूरबीर योधे जस्सा सिंघानिया वर्गे जिन्होंने दिल्ली के उत्ते 3 बारा झंडा चलाया पै रहे ऐसे कर्म करना शशिकत जीडिया वह इन्हों मावों के इन्हों भरावों के तैयार होंदिया ने पर आप शशिकत भुलते जा रहे हैं आप नशा के नाल हर माता बच्चे पाल दिया मत्था चुम दिया निगी निगी बुरकियां देख पाल दिया
ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰੋ ਆਹ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ ਸਮਝ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਹਾਰ ਪੁੱਤ ਕੋਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 16 ਦਾ ਕੋਈ 18 ਦਾ ਕੋਈ 20 ਦਾ ਕੋਈ 24 ਦਾ 25 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿਹਰੇ ਸੱਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿਹਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੱਫਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਮਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੋ ਵਹੀਰਾ ਘੱਟ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਮੰਗੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇ ਅੱਜ ਨਾਦਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਆ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ